पुलिस की नाकाबंदी को चकमा देकर भागे स्मैक तस्कर रोहित चौहान को पुलिस ने जहरीली शराब बेचते किया गिरफ्तार। शिवपुरी जिले की फिजिकल थाना पुलिस की नाकाबंदी को चकमा देकर बाइक छोड़कर भागे स्मैक तस्कर को पुलिस ने आज जहरीली शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी रोहित चौहान के कब्जे से पुलिस ने 4 लीटर जहरीली शराब जब्त की है। थाना प्रभारी फिजिकल रजनी चौहान ने प्रेस नोट जारी करते हुए बताया कि स्मैक तस्करी के केस में फरार आरोपी रोहित चौहान को फिजिकल थाना पुलिस ने आज मुखबिर की सूचना पर तवीज देकर 4 लीटर जहरीली शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी प्लास्टिक की कट्टी में जहरीली शराब लेकर जा रहा था। इसी दौरान पुलिस ने सिद्धेश्वर रोड हुसैन टेकरी बक्से वाले के पास से नाकाबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34 और 49 के तहत मामला दर्ज किया है। दिनांक को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि फिजिकल थाने पे जो स्मैक में फरार आरोपी है रोहित चौहान, जिसके पिता का नाम है वीरेन सिंह चौहान, उम्र 19 साल, वो सिद्धेश्वर रोड हुसैन टेकरी पर कुछ थैली में लेके बेचने के उद्देश्य से खड़ा है, जिसको फिजिकल थाना पुलिस के द्वारा जाकर घेर कर पकड़ा गया। तो उसके पास हाथ भट्टी की बनी हुई 4 लीटर शराब मिली जो कि जहरीली थी, जिस पर से फिजिकल थाने पर अपराध क्रमांक 88/24 धारा 49 का पंजीबद्ध किया गया और रोहित को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही रोहित पर चूंकि पूर्व में फिजिकल थाने पर NDPS एक्ट में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें भी रोहित को गिरफ्तार कर लिया गया है और माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। रोहित के विरुद्ध फिजिकल देहात कोतवाली थानों पर विभिन्न धाराओं में अलग अलग अपराध पंजीबद्ध हैं।